नमो नारायण है। शूद्राधिकरण में हेतु दे रहे थे विशेष रूप से शूद्र शब्द का अर्थ यहाँ यौगिक में लिया, उसके लिए क्या क्या कारण है वो क्रमशः एक एक कारण को बता रहे थे। तो इसमें भाष्य हो गया था, टीका 36 सूत्र का टीका है। शूद्रस्य अनधिकारे लिंगमाः संस्कार परामर्शा तदभाव अभिलाभाश्च च शब्दार्थमाः इदश्च। इसमें जो चा है अंतिम में तदभाव अभिलाभाश्च विचा, चा शब्द का अर्थ बता हेतु अंदरम स्फोरयति। दूसरे भी एक हेतु है इसका भी विश्लेषण करते हैं, यानी तद अभाव अभिलाभाच, इससे एक और हेतु मिल जाता है। संस्कार परामर्शा तद अभाव अभिलाभाच आदि शब्देन अध्ययन आचार्य शुश्रूषादयो विह्यन्ते। संस्कार परामर्शा तदभाव अभिलाभात् सूत्र के अर्थ करते हुए भाष्यकार ने कहा, यदि विद्या प्रदेशेषु उपनयनादयः संस्काराः परामर्श, उपनयन आदि संस्कारों का परामर्श है। वहां आदि शब्द के द्वारा अध्ययन और आचार्य शुश्रूषा इसको भी लेना चाहिए। परामर्शम विशदयति, परामर्श का और उदाहरण के द्वारा प्रकट करते हैं। संभा उपनिन्ये, ये सतर्थ ब्राह्मण का वाक्य दे दिया। विद्यार्थिनम शिष्यम आचार्य किल उपनीतवान, संभा उपनिन्ये तम शिष्यम, विद्यार्थी जो शिष्य है, विद्या चाहता हुआ जो शिष्य है उसको विद्यार्थी कहते हैं। ऐसे शिष्य को आचार्य उपनिन्य, ये लिप लकार का प्रयोग है, उप उपसर्ग पूर्वक नि धातु में ये लिप लकार किया तो उसमें निन्य बना। तो आचार्य ऐसे शिष्य को, विद्यार्थी शिष्य को उपनयन कराया, तो आचार्य जिला उपनीत वा स्वयं किया उपनयन कराया। अनुपनीतस्य विद्यादान अयोगादि यावत्, इससे क्या तात्पर्य है कि जो अनुपनीत है, कोई भी अनुपनीत होगा वो विद्यादान अयोगा, उसको वेद विद्या नहीं देनी चाहिए। वेद विद्या देने के लिए एक मुख्य संस्कार में उपनयन संस्कार है, कल इसके बारे में बताया था। तो विद्यादान का वही कारण होता है, अन्य सब कुछ होने पर भी यदि उस स्थिति में उपनयन नहीं हुआ तो उनका वेदाध्ययन, वेद मंत्रों का स्वस्वरूचार अध्ययन नहीं होता। तो उसमें कोई भी जाति का हो, कोई भी वर्ण का हो, यदि उपनयन नहीं किया तो सामान्य उपनयन का अभाव ही उसको दिखा रहा। इस प्रकार से उपनयन का निषेध होने से जिनको प्राप्त नहीं है तो उनको भी प्राप्त नहीं होगा, सामान्य रूप से उनको उसमें अधिकार नहीं। सनत कुमारं प्रति नारदोपि विद्यार्थी मंत्रमुच्चारयन् उपसत्तिं कृतवान् इत्याह। सनत कुमार जी के पास नारद जी आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए गए, तो यद्यपि वहां आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए गए हैं तो उसमें कर्मकांड की कोई बात नहीं थी, फिर भी जो सामान्य नियम है, सामान्य जो मर्यादा है, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। वहां गुरु शिष्य संवाद में, आचार्य गुरु का संवाद में भी यही मालूम पड़ता है, ऐसे दिखाने के लिए भाष्यकार ने यहाँ वाक्य दिया, अधि भगवः इतिहा उपससाद। तो सनत कुमारं प्रति नारदोपि विद्यार्थी, जो विद्या के उद्देश्य से गए हैं, तब मंत्रमुच्चारयन् उपसत्तिं कृतवान् इत्यर्थः।
मंत्र का उच्चारण करते हुए यानी जो वहां क्रम देखने पर मालूम पड़ता है जो अधी ही भगवहा ये जो कहा गया है इससे ये मालूम होता है नारद जी ने शिष्य भाव को स्वीकार किया। शिष्य भाव स्वीकार करने के लिए जो नियम प्रसिद्ध है शास्त्र विहित है उसको उन्होंने अंगीकार किया इससे मालूम पड़ता। यदि भी सीधा वाक्य वहां नहीं है उपससाद वाक्य है और अधी ही वाक्य है ये दोनों वाक्य से वहां भी उपनयन कर्म का जो प्रयोजन है वो वहां भी दिखाई पड़ा। उपनयन कराया ये अर्थ नहीं है सर्वत्र उपनयन की कर्म के साथ उपनयन कराता नहीं है कभी वाक्य से भी होता है जैसे आगे अष्टपति के दृष्टांत में कहेंगे तो वाक्य से भी होता है लेकिन वो नियम है तो उसको स्वीकार किया जाता है उसका उल्लंघन नहीं होता है यही दिखा रहा है। इसके लिए भाष्यकार ने इन उदाहरणों को प्रस्तुत किया। मंत्रम उच्चारयन उपसत्तिम कृतवान इत्यर्थ ये उपसत्ति जो है यही विशेष है उपसत्ति को किया तरदिशोगम आत्मविद ऐसा उन्होंने सुना था नारद जी ने तो मंत्र विदेहामस्मि न आत्मविद अतः शोचामि तो ये मेरा मेरी अभी ये स्थिति है कि मैं मंत्र को ही जानता मंत्र का बहुत अध्ययन किया हूं यानी अनेक शाखाओं का विद्याओं का सब अध्ययन किया हूं किंतु ये मंत्रवेता हूं अभी आत्मवेता नहीं। तो आत्मवेता नहीं होने से भगवह शोचामि का मेरा अंदर शोक है वो संसार का शोक निवृत्त नहीं हुआ अब जो है तरद शोकम आत्मवित आत्मा को जानने से ही शोक से पार हो सकता है ऐसा मैंने सुना इसीलिए भगवह हे भगवह अधी ही मुझे समझाइए आत्मज्ञान को उपदेश करिए ऐसा उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। तो ये जो कथन है ये परंपरा के अनुसार है मर्यादा के अनुसार है और इसमें भी ये वाक्य दिखाता है कि वो संस्कार वहां कराया गया संस्कार को वहां मान्यता दी गई ये कहना चाहते और उसके बाद जो है वैश्वानर विद्या की बात करते हैं आगे ये प्रश्नोपनिषद की बात है। भारद्वाजादय षड्ऋषय परम ब्रह्म परत्वेन अवगंतवंत अपरम ब्रह्म परत्वेन अवगतवंत इति ब्रह्मपराः तद्ध्याननिष्ठाश्च ब्रह्मनिष्ठाः ब्रह्मपराः ब्रह्मनिष्ठाः ये कहा इसका अर्थ कर रहे हैं। वहां प्रश्नोपनिषद में छह ऋषि है भारद्वाज आदि छह ऋषियां अपरम ब्रह्म परत्वेन अवगतवंतः वे अपर ब्रह्म को परब्रह्म रूप से समझ कर यानी है तो अपर ब्रह्म है किंतु वही परब्रह्म है ऐसे समझ लिए पूर्णतया शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान नहीं है फिर विशेष ब्रह्म का ज्ञान उनको नहीं था सविशेष ब्रह्म का ज्ञान था जैसा उनका प्रश्न से मालूम पड़ता है। ऐसे ऋषि कुमार वहां उनके पास गए और कैसे थे ये अपर ब्रह्म को जानने पर भी तद ध्यान निष्ठाश्च उसमें ध्यान निष्ठ थे मैंने अपर ब्रह्म को साक्षात्कार करने के लिए ध्यान निष्ठा उसमें थी उनके साधना थी उसमें ब्रह्म परा तद ध्यान निष्ठाश्च ब्रह्म निष्ठा उस अर्थ में यहां ब्रह्म निष्ठा शब्द का प्रयोग किया अपर ब्रह्म में उनकी निष्ठा थी अपर ब्रह्म में उन्होंने साक्षात्कार किया ध्यान करते तम च परमार्थ बोधम ब्रह्म विचारयंत निर्णयार्थम एष पिप्पलाद तद जिज्ञासिदम सर्वम वक्ष्यति निश्चित ऐसे स्थिति में अपर ब्रह्म को जानने के कारण उनके अंतकरण शुद्ध हो गया और पर ब्रह्म को जानने के लिए वास्तविक जिज्ञासा हो गई। इस स्थिति में परम च परमार्थ बोधम परमार्थ बोध तत्व को जानने की इच्छा हो जब उपासना करते रहेंगे उपासना के माध्यम से अंतकरण शुद्ध होता है मन में एकाग्रता आती है और शास्त्रों का स्मरण होता है वेद
गुरु वाक्यों का भी स्मरण और आचरण करने में सहायता मिलती है आपके उपासना करने से। तो जैसा सुना है वैसा ही स्वीकार करते हुए उसको आचरण करने में अंधकरण शुद्ध होने से ही वो कार्य हो सकता है। वो आचरण करने में मन नहीं लगता है उसका मतलब वो अंधकरण में कुछ अशुद्धि है। इसीलिए इस स्थिति में अपर ब्रह्म की उपासना कार्यकारी होता है, उससे प्रयोजन होता है। ऐसा उन्होंने उपासना किया, यही ब्रह्मनिष्ठा का अर्थ है, निरंतर उसी पर लगे हुए। ऐसा लगने के कारण उनको श्रद्धा हो गई। वो श्रद्धा हो गई तो वो विचार करने लगे, परब्रह्म विचारयन्तः, परब्रह्म को विचार करते हुए क्या होगा परब्रह्म का स्वरूप, ऐसा जानने की इच्छा से निर्णयार्थम एष पिपलाद। ये जो पिपलाद प्रसिद्ध है, पिपलाद ऋषि का नाम प्रसिद्ध था, तो पिपलाद महर्षि ये अथर्ववेद के ऋषि है। तद जिज्ञासितम सर्वम वक्ष्यति, जो कुछ हम जिज्ञासा करेंगे सब कुछ पिपलाद महर्षि समझाएंगे, उत्तर देंगे। ऐसा समझ करके, ऐसा सोचकर रिक्त हस्तानाम गुरु उपगमन अयोगम मन्यमाना। रिक्त हस्त गुरु उपगमन नहीं करना चाहिए। गुरु के पास जब जाते हैं तो रिक्त हस्त नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर के जाना चाहिए। कुछ प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ लेके भी जाना पड़ता है। ऐसा रिक्त हस्त आना, रिक्त हस्त नहीं जाना चाहिए कहने से गुरु उपगमन अयोगम, गुरु के पास रिक्त हस्त नहीं जाना चाहिए, नियम जानता है। इसीलिए ऐसे मानते हुए समित प्राणया हम उपसन्ना, समिधा लेकर के गुरु जी के पास पहुंच गए। ये कहा कि ब्रह्म अन्वेषमाणा एष वै तत्सर्व वक्ष्यति एह समित प्राणयो भगवन्तं पिपलादम उपसन्नाः। अनुपनीतानामपि वैश्वानर विद्यायाम अधिकार सुतेः अनियतम उपनयनमित्याशंका। ये तो यहाँ तो ठीक है, समित पाणी होकर के ऋषि कुमार पिपलाद महर्षि के पास गए, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। किंतु वैश्वानर विद्या जो ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या के पूर्व में जाकर ब्रह्म उपासनाओं में मुख्य उपासना है वैश्वानर उपासना, क्योंकि वैश्वानर उपासना करने से ब्रह्म का जो व्यापक स्वरूप है, सर्वव्यापक स्वरूप है, उसका भान हो जाता है और परब्रह्म को समझने के लिए मन तैयार होता है। ऐसी विशिष्ट उपासना है जो छांदोग्य उपनिषद में पंचमाध्याय के अंतिम में है, षष्ठाध्याय के पूर्व में उन उपासनाओं को कहा है जो परमात्मा साक्षात्कार के अत्यंत निकट है। तो अनुपनीतानाम अभी वैश्वानर विद्यायाम अधिकार होते, वहां ऐसी शंका हो सकती है कि जिनका उपनयन नहीं हुआ, ऐसे जिनको उपनयन नहीं हुआ उनका भी अधिकार हो जाएगा वैश्वानर विद्यायाम, वैश्वानर विद्या में उनका भी अधिकार हो जाएगा, ऐसी शंका होने पर, क्योंकि वहां कोई नियम तो बताया नहीं वैश्वानर विद्या अध्ययन करने के लिए उपनयन की आवश्यकता है, ऐसा कोई नियम तो कहा नहीं है। इसलिए अनियतम उपनयनम, उपनयन का कोई नियम नहीं है, कर सकता है नहीं भी कर सकता है, ऐसे उन विद्याओं से मालूम पड़ता है कि वहां किया नहीं है, ऐसा मालूम पड़ता है। इसलिए वहां से ये आप निकाल सकते हैं कि नियत उपनयन की आवश्यकता नहीं, बिना उपनयन से भी कुछ विद्याएं प्राप्त की जा सकती है, उनमें एक वैश्वानर विद्या है, ऐसी शंका हो सकती है। इसलिए ऐसी शंका का समाधान वो वैश्वानर विद्या का उदाहरण से दे अनुपनीयेव इत्यपि प्रदर्शितेव उपनयन प्राप्ति भवति। ये वहां उपनयन को नहीं कहा, उपनयन नहीं किया, क्योंकि वो वैश्वानर विद्या में जो उपदेष्टा है, उपदेश देने वाले अश्वपति कैकेयी है, तो राजा है और जो ऋषि आए हुए हैं वो बहुत बड़े बड़े ऋषि हैं, तो अब उनको वहां उपनयन की विधि करने की आवश्यकता नहीं है, तो राजा ही उपनयन हो जाता है। इस दृष्टि से राजा ने अनुपनीय हुआ, राजा को ऐसा अधिकार भी नहीं है इस प्रकार उपनयन कराने की, किंतु वो परंपरा को याद किया, ये बताना चाहते। यहां जितने भी उदाहरण दे रहे हैं
परंपरा को वहां याद किया, नहीं तो ये अनुपन उपनयन की बात यहाँ लाने की आवश्यकता नहीं थी। उपनयन का वहां प्रसंग नहीं है ऐसा मान सकते थे, जैसा सामान्य में सोच सकते, लेकिन प्रसंग था किंतु कुछ विशेष विधि से उसको नहीं किया, यही अर्थ लाने के लिए अनुपनी ये व। तो ये सामान्य नियम का उल्लंघन है ऐसा आप सोचेंगे तो उसको याद किया ऐसा नहीं किया, उनके बिना मतलब उपनयन को याद किया यह बोलना चाहे। औगमन्यव प्रभृतीन ब्राह्मणान अनुपनीय अश्वपति राजा उवाच। औगमन्यव प्रभृति जितने ऋषि वहां गए हैं उन ऋषियों को, वे ऋषि सारे ब्राह्मणान ब्राह्मण वर्ण के थे, तो अनुपनीय इसलिए उनको वहां विशेष उपनयनादि विधि नहीं करते हुए अश्वपति राजा उवाच, अश्वपति राजा ने ऐसा कहा। निषेधा तस्य प्राप्ति पूर्वत्वा प्राप्त उपनयनानाम द्विजानाम एव अधिकारः इत्यर्थः। कल हमने इसके बारे में कहा कि कहीं निषेध आता है तो निषेध वेद में जब होता है और नहीं करना होता, इसके विषय में कल हम दोनों का अलग करके बताए थे, ये मीमांसा का विषय है कि नहीं करने से एक अलग अर्थ होता है और निषेध बोलने से अलग अर्थ होता है, आपको समझाया था। यहां देखिए आपको बताया जा रहा है कि निषेधात तस्य प्राप्ति पूर्वकत्व, जहां भी निषेध होता है वो पहले उसके प्राप्ति दिखाने पड़ते, तो प्राप्ति नहीं है तो निषेध नहीं माना जाता है, कहने की आवश्यकता नहीं प्राप्ति नहीं है तो निषेध नहीं होता, तो निषेध होने पर प्राप्ति आ जाती, इसीलिए प्राप्ति पूर्वकत्व। अब प्राप्त उपनयनानाम द्विजानाम एव अधिकार ही करता, ऐसे प्राप्त उपनयन वाले के पहले उनको प्राप्त है उपनयन करके आए, इसीलिए उनको अलग से उपनयन नहीं किया, ये अर्थ वहां हो गया अनुपनीय वा का अर्थ। उपनयन नहीं किया ये बता रहे हैं, नहीं किया मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि प्राप्त उपनयन है उनको पहले से प्राप्त है, प्राप्त से ही निषेध ऐसा होता है। तो प्राप्त जो द्विज है, द्विजन्मा है, जो त्रैवर्णिक है, तीनों में से कोई भी हो सकता है, ऐसा द्विजाना में अधिकार है। संस्कार परामर्शादिति व्याख्याय अवशिष्टम व्याजे, संस्कार परामर्श का अभी यहां तक व्याख्या की, जो सूत्र में संस्कार परामर्शाद वाक्य आया उसकी व्याख्या यहां तक हो गई। अब आगे जो है तद अभाव अभिलाभात, ये आगे का वाक्य है सूत्र में, उसकी व्याख्या करना चाहते, तो अभाव का भी अभिलापन है, यही कहा कि अब अभाव कहां गया तो शूद्रस्य इत्यादि का, शूद्रस्य च संस्कार अभाव अभिलप्यते, शूद्रस्य चतुर्थो वर्ण है एक जाति इत्यादि गौतम धर्म सूत्र का वाक्य दे दिया, इसमें चतुर्थ वर्ण को एक जाति कहा है, वो द्विजाति नहीं, द्विजाति नहीं होने से द्विज नहीं बना, एक जाति है, एक ही जन्म है, जो माता के गर्भ से जन्म है वो तो सामान्य सबके लिए होता है, ऐसे ही जन्म है, दूसरा जन्म का वहां विभाग नहीं। तो एक जाति ही उपनयन रहिता, एक जाति शब्द का अर्थ उपनयन को उद्देश्य करके है, एक बार जन्म लिया मन उपनयन ही नहीं हुआ, वो जो माता से जन्म हुई, क्योंकि उपनयन को दूसरा जन्म माना है, मनुस्मृति में भी वाक्य है, अन्यत्र भी कई जगह वाक्य है, जो दूसरा जन्म का मतलब यही होता है, जो उपनयन के द्वारा जन्म होता है, ऐसा जो जनैदा भी एक पिता होता है, जनैदा को पिता मानकर जो जन्मदाता है, जन्मदाता को पिता मानकर के पहला जन्म होता है, और उसके बाद में जब अष्ट वर्ष द्वादश वर्ष इत्यादि हो जाता है तो वो घर से उनको निकाल दिया जाता है, घर से छोड़ दिया जाता है, फिर वो गुरुकुल में जाता है, गुरुकुल में जाने पर गुरुजी के पास ये उपसदन क्रिया के द्वारा गुरुजी के पास जाते हैं और गुरुजी फिर दोबारा जन्म देता, वो द्वितीय जन्म होता, इसीलिए गुरु को भी पिता ही माना। तो जो पांच पिता कहे गए हैं उनको जनैदाच उपनेदाच विद्याम प्रयश्चति अन्नदादा भयत्रादा पंचेदे पितर स्मृता, कि पांचों को पिता समान आदर देना चाहिए,
पांचों को पिता समान मान करके व्यवहार करना चाहिए। कौन कौन है वो? एक तो जनयिता है, जनयिता च उपनयिता च। ये पहले वाला जनयिता जिसको हम बायोलॉजिकल फादर कहते हैं, जो शरीर का जन्मदाता। अब वो शरीर का जन्मदाता जिस शरीर से आया वो शरीर का सारा रहेगा, उसमें डीएनए रहेगा, उस हिसाब से जन्मदाता। कर्म का दादा नहीं है अथवा संस्कार का दादा नहीं है। कुछ संस्कार तो संबंध होता है, वो तो आ जाता है, लेकिन उतने से नहीं माना जाता। तो वो पिता स्वयं उपनयन नहीं कराते। उपनयन कराने के लिए जिनके पास ले जाना है वो नियम है, उनके पास ले जाते। पिता स्वयं नहीं करा सकते क्योंकि दो डबल डबल पिता नहीं बन सकता है। तो पहले तो जनयिताच्च उपनयिताच्च, फिर दूसरा पिता है उपनेता। और यश्च विद्यां प्रयश्च, तो ये और भी कोई आचार्य जो उपनेता होगा, उपनेता ही सारे विद्या अभ्यास कराएंगे ऐसा नहीं है। उपनेता तो आपको दीक्षा गुरु होते हैं, वो आजीवन गुरुत्व तो उनके पास ही रहता है। बाकी आपके आप जैसे जैसे विद्या अभ्यास करना चाह रहे हैं वैसे अनेक आचार्य उपाध्याय आपके हो सकते हैं, तो उनसे अध्ययन करते हैं। ये सारे हो जाएंगे इससे विद्या विद्या ध्यान देने वाले सारे भी पिता के समान आदरणीय। और अन्नदाता, अन्न देने वाले को भी पिता समान आदर देना चाहिए। अन्न देने वाले मतलब जो अन्न देने की व्यवस्था करते हैं वो भी अन्नदाता होता है, और जो अन्न पका करके देते हैं वो पाचक जो होता है उनको भी पिता समान आदर देने के लिए कहा, क्योंकि उसमें बहुत कुछ होता है, उनको आदर दे करके करना चाहिए। उनको निंदा नहीं करनी चाहिए और निंदा भाव से उनके बनाया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि ऐसा खाएगा तो आपके मन कलुषित होगा, वो पक्का होता है, और बाद में आप भी निंदे बन जाए, ऐसा कहा स्पष्ट रूप से शास्त्र में। इसीलिए पहले जमाने में भी ये पाचक आदि को जो भी रखा जाता है उनको बहुत परीक्षा की जाती है, ये पाचक रखने के योग्य है। ऐसे किसी को बुला के घर में भोजन पकाने के लिए हमारे वहां तो ऐसे करते नहीं। पाचक बनना है तो उनको बहुत सारे गुण होना चाहिए, और उनका लक्षण कहा है शास्त्रों में, ऐसे ऐसे व्यक्ति पाचक बन सकते हैं। क्योंकि पाचक का क्रिया करना कोई आसान नहीं है, उनका भाव और उनके मन की स्थिति सब आता है, सबके साथ उनका व्यवहार भी नाता भी रहना चाहिए, क्योंकि ये भाव से अन्न देते हैं। तो होता है पाचक आप रख सकते हैं, लेकिन उस भाव से कोई भी ऐसा अन्न देता उस भाव से लेना चाहिए। अब देने वाला किस प्रकार भी होगा वो उसका उसकी अपनी समस्या है, उससे आपको लेन देन नहीं है। आपका लेन देना क्या है कि आप किस भाव से उसको ले रहे, उस भाव से लेना चाहिए। इसीलिए वो अन्नदाता भी पिता के समान होता है। भयत्रादा, और भय से रक्षा करते वो मुख्य रूप से राजा होता है। जो भय से रक्षा करना मैंने सैन्य शक्ति से आपकी रक्षा करते हैं, आप आराम से सो जाते हैं, चोरों से रक्षा करते हैं और जानवरों से रक्षा करते हैं, अथवा किसी प्रकार साक्षात भी रक्षा करने वाले होते हैं, तो वहां तो राजा के लिए कहा, राजा भी प्रजा के लिए पिता समान होता है, इतने भाव से उनको मानते। ये पांचों को पिता कहा, तो दूसरे पिता उपनेता हो गए, इसीलिए वो द्विजन्मा इस प्रकार। तो ऐसा द्विज कहा गया, वो नहीं होने से एक जाति ही ये कहा, तो इसका मतलब स्पष्ट रूप से उनको बने नहीं है ऐसा। पादकम भक्ष्याभक्ष्य विभाग अभाव कृतम, ये भी कल बताया था आपको, न शूद्रे पादकम किंचित न संस्कार अर्हति, शूद्र में कोई पादक नहीं है और कोई संस्कार की भी आवश्यकता नहीं। पादक और पाप का अंदर भी कल बताया था, तो पादकम भक्ष्याभक्ष्य विभाग अभाव, ये भक्ष्य क्या है अभक्ष्य क्या है ये सारे विभाग को उनको देखने की आवश्यकता है। ये यही है कि बाकियों को भक्ष्याभक्ष्य का विभाजन देखना चाहिए। जब आप दीक्षित हो गए हैं, उपनयन हो गए हैं, उपनयन होने के बाद में इसके लिए अलग एक प्रकरण बनाया कि आप द्विजक के घर में परिवार में जन्म लिया है तो भी कब से यह नियम लागू होता है कि मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
बाकी ना पढ़े तो भी प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय दोनों पढ़ना आवश्यक है, सामान्य व्यवहार के ज्ञान के लिए, सामान्य आचरण के ज्ञान के लिए, और विशेष करके ब्रह्मचारियों के लिए क्या क्या नियम होता था हमारे संस्कार के अनुसार, ऐसे उसमें विशेष रूप से प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय है। तो उसमें ये कहा कि ये कब से ये आचरण शुरू होता है, और आचरण नहीं करने पर प्रत्यवाय या पादक होना कब से शुरू होता है, ऐसा वहां प्रश्न करता है। प्रश्न करने के बाद उत्तर दिया कि जब तक उपनयन नहीं होता, उपनयन के पहले वो बच्चा है, उसका पूरा विकास नहीं हुआ, उसके अंदर विवेक नहीं है, भक्ष्या भक्ष का विवेक नहीं है, अच्छा बुरा का ज्ञान नहीं है, शास्त्र क्या कहता है उस कुछ भी नहीं जानता, इसीलिए उसके पहले तक, अभी 8 साल कहे तो उधर तो कुछ कम कहा, 6-7 साल तक कहा है, 6 साल तक विशेष करके जो भी वो बच्चा करता है उसका दायित्व तो, उत्तरदायित्व तो माता पिताओं पर है। बच्चे को कोई पाप नहीं लगेगा, वो गलत करता है तो माता पिता को लगेगा, ऐसा कहा। इसीलिए तब तक क्योंकि वो अज्ञ होता है, और जैसे मादा के गर्भ में है लगभग ऐसी अवस्था में है, मादा के गर्भ में, वो मादा के गर्भ में रहते हुए खा रहे थे फिर रहते, इतना ही फर्क है, बाहर तो आ गया लेकिन दिमाग अभी पूरा हुआ नहीं है, हुआ नहीं है। जो माता पिता खिलाते हैं पिलाते हैं वो खाते हैं पीते हैं सब कुछ करते हैं, और पहले तो अंदर से श्वास ले रहे थे अभी बाहर से श्वास लेता है, पहले अंदर से पानी पी रहे थे तो अभी बाहर से पानी पीता है, जो भी खाना पीना जो हो रहा है तो इतना ही फर्क है, बाकी तो माता पिता के मन के अनुसार ही वो बच्चे 6 साल तक जीते। बहुत बहुत विशेष बात है जो बच्चे के चाइल्ड साइकोलॉजी जो बोलते हैं, बाल के बच्चे के मनशास्त्र, इसमें आप देखने से मालूम होता है कि माता पिता का विचार का बहुत असर पड़ता है बच्चे, क्योंकि वो है उसी से जुड़ा हुआ पूरा, बाहर दिखने पर ही बाहर नहीं है, अपना संस्कार तो अलग रहता है, कुछ भी हो उतने समय तक उसका कोई किसी कर्म में अधिकार नहीं, और कोई विधि भी नहीं, कोई निषेध भी नहीं, पूरा छूट है। अब वो कोई गलत करता है, मनमानी करता है, कुछ भी करेगा तो उसका दायित्व, उसका जो भी फल बनेगा वो माता पिता को, ऐसा जैसे मादा के गर्भ में रहते समय, ऐसे कुछ उदाहरण टीकाओं ने दिया, मादा के गर्भ में रहते समय गर्भ को माने कष्ट देने वाले, गर्भ को पीड़ा देने वाले कुछ खाना या पीना मादा जी करती है, उसका दोष किसको लगता है, मादा जी को लगे, क्योंकि गर्भ को संभालना मादा जी का कर्तव्य था, तो वो नहीं कर रही है तो नहीं कर रही है, उसका पाप दोष जो भी होगा उसी को माता जी को लगे, और उसके लिए मदद नहीं किया, सहारा नहीं दिया तो वो पिताजी को भी लगेगा, क्योंकि पिताजी का भी नियम है 6 महीने के बाद में फिर पूरा वो जो गर्भिणी है गर्भिणी के साथ रहना है, नियम बहुत कुछ बताया है आपको पहले हमने सुनाया, तो ये नियम है उनका साथ नियम करके वो रहता है, यद्यपि गर्भधारण माता जी करती है लेकिन उसका आधा दायित्व पिता को रहता है, वो भी मनमानी इधर उधर घूम नहीं सकते, वो दाढ़ी मूंज नहीं बनाना चाहिए 6 महीने तक, इनका नियम है। हाँ, फिर जो है बाहर जो भी पब्लिक फंक्शन में नहीं जाना चाहिए, हाँ वो उनको पालन करना, फिर बाहर देश से स्थान से बाहर भी नहीं जाना चाहिए, ऐसे ऐसे नियम बताया, तब तक जब तक ये बच्चे का ज्यादा कर्म नहीं होता, ज्यादा कर्म जन्म के बाद तुरंत होता, वो कर्म होने के बाद में फिर वो व्रत से छूट जाता, इनका व्रत धारण होता, तो वो भी हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका भी यदि आप उल्लंघन करेंगे, ये सब जो है ना अष्टचत्वारिंशत् जो संस्कार है, 16 संस्कार का विस्तार है अष्टचत्वारिंशत् संस्कार, जिसका उदाहरण भाष्यकार देते हैं, क्योंकि भाष्यकार गौतम धर्म सूत्र के अनुसार सब बताते हैं जो भी कह रहे हैं, तो उधर ये कहा है अष्टचत्वारिंशत् जो 16 संस्कार सामान्य रूप से 16 संस्कार है, और यहाँ विशेष रूप से कुछ अलग अलग संस्कारों की गिनती में अलग अलग, कहीं 16 की जगह 13 भी है, कहीं 16 है, कहीं ऐसी 22 है, कहीं 44 है, भाष्यकार ने सबसे बड़ा दिया 48 जितना है, मतलब सारे एक भी नहीं छोड़ा, ऐसे भाष्य में 2-3 जगह ये वाक्य आते हैं अष्टचत्वारिंशत् से करना चाहिए, 16 संस्कार के बारे में कहीं नहीं कहा भाष्यकार,
मतलब वो पूरे पूरे लेना चाह रहे, तो वो धर्म मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ क्यों बाधक होता है, नहीं होता है बच्चे को। अब जैसा बच्चा अंदर रहते हुए नहीं होता है उसको, वो सारा दायित्व तो माता पिता के ऊपर है, उल्लंघन करेगा तो उनको होता है। इसी प्रकार ही ये उपनयन के पहले तक भी ऐसे, अभी बहुत रिसर्च करके लोगों ने पता लगाया कि बच्चे को छोटे उम्र में, मैंने आजकल जो 3 साल में 7 साल में स्कूल भेज रहे हैं, ये बहुत गलत है, नहीं भेजना चाहिए। ऐसा अभी शुरू किया है और विदेश में वो लोग बैन कर दिए, वो छोटे को घर से नहीं बाहर जाने देंगे। घर में आप बिठाओ पढ़ाओ, माता पिता स्वयं करें या टीचर आकर के पढ़ाए, घर में रहना चाहिए, माता पिता के सहारे में रहना चाहिए, घर से बाहर उनको जबरदस्त। आप देखे होंगे बचपन में बच्चे को स्कूल भेजना कितना मुश्किल होता है, वो रोता है, वो परेशान हो जाता है। हाँ, वो बिल्कुल बिल्कुल जो है इसका बहुत बड़ा असर है, तो उसके ऊपर बहुत लंबा रिसर्च किया। अभी जर्मन आदि देशों में ये उन्होंने बंद कर दिया, बोला कि 6 साल के पहले स्कूल बाहर नहीं भेजना चाहिए, शुरू कर दिया। कई स्कूलों ने ऐसा अडॉप्ट कर दिया, उनको नहीं भेजेंगे बाहर। तो वो भेजने से क्या होता है, उसका असर समाज में कैसे आता है, इसके ऊपर आपका रिसर्च है। एक उनका एक वेबसाइट भी है, आप उसमें देख सकते हैं, वो कुछ वायलेंस ऐसा कुछ एक वेबसाइट है, तो उसमें सारा डिटेल्स दिया है। बहुत सारे उन्होंने हजारों बच्चों का स्टडी किया, कई साल से चल रहा है, और उसके बाद में उन्होंने ये निश्चय किया जो हृदय की हमारा शास्त्र कितने पहले से जो कह रहा है, और ब्रेन के डेवलपमेंट के हिसाब से भी सामान्य ज्ञान को ग्रहण करके, अब मतलब स्वाभाविक कर्म जो होता है खाना पीना रहना, इससे थोड़ा बाहर सोचना आना चाहिए ना कुछ ग्रहण करने के, उसको जो पुस्तक का ज्ञान 7 साल के बाद ही होता है ऐसा कहा। तब तक वो कुछ भी करे उसको जबरदस्ती हो जाता है, और जबरदस्ती होने से वो बच्चे के अंदर मन में जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो अबोध मन जो बोलते हैं, उसके अंदर में बहुत बुरा असर होता है, और उसका असर बाद में बड़े होने के बाद, वो नहीं जानता है, बड़े होने के बाद उसका असर माता पिताओं पर पड़ता है और समाज पर पड़ता है, इसीलिए बच्चे माता पिता के खिलाफ होते हैं ऐसा उन्होंने पता लगा। वो बाद में नाराज हो जाते हैं क्योंकि बचपन में जब वो बेसहारा था तो आप सहारा देना चाहिए था, दिया नहीं, आप अपने काम बोझ समझ करके बच्चे को पकड़ के गाड़ी में बंद करके, ये इसी को होता है। वो रोता है, सोचता है अरे ये नहीं जाना चाहता, बिल्कुल अलग है। और हमारे यहाँ वो आने में अभी टाइम लगेगा क्योंकि हमारी बुद्धि थोड़ी धीमी चलती, धीमी धीमी चलती, इसीलिए वो वहां जब सबको स्वीकार करेंगे तब आएगा, लेकिन आएगा जरूर, क्योंकि शास्त्र का जो कहा हुआ है वो अन्यथा नहीं जा सकता। आप उसको उल्लंघन करना चाहते हुए वो आपका दोष है, लेकिन उल्लंघन करने से उल्लंघन नहीं होता है, बाद में घूम फिर करके आपको वही करना पड़ेगा। आप जो विदेशी लोग बोलेंगे तब मानेंगे, शास्त्र बोलेंगे तो मानेंगे नहीं, इतना ही अंदर है, तो आप मानेंगे जब मानेंगे। ये मैं कह रहा था कि अभक्ष्य भक्षण आदि का जो विभाग है उससे जो बाधक होता है, दोष होता है, वो तब तक कहा था। और उसके बाद में आप अभी देखिए उपनयन के बाद की बात है, तो उपनयन के बाद में सारा नियम लागू होता है। उपनयन के बाद तो इतना इम्पोर्टेंट है, जैसे शादी के बाद आदमी का जीवन पूरा बदल जाता है, विवाह होने के बाद में सब कुछ अलग होता है, फिर पत्नी के साथ उनका कानून नियम सब अलग होगा, पत्नी का भी ऐसा होगा, पति का भी होता है। तो विवाह एक ऐसा पड़ाव है आपको पूरा बदल देता, ऐसे ही ये उपनयन वाला, उपनयन होने के बाद में आज शास्त्र संबंधी हो गए, शास्त्र से आपको जोड़ दिया गया, जो आपको 3 जागा डाल दिया जाता है उससे आपको बांध दिया गया कि आप अभी शास्त्र के नियम के अनुसार ही चलेंगे, यदि शास्त्र का नियम का उल्लंघन करेंगे तो आपको बाधक लगे, ये स्पष्ट हो जाता है। अब वो उनको तो है ही नहीं, वो सदृश वर्ण को वो नहीं है, नहीं होने से वो सामान्य जो नियम कहे गए हैं सामान्य नियम के अनुसार उनका चलेगा, विशेष जो भक्ष्य अभक्ष्य का विचार नहीं करते हैं, इसलिए वो लहसुन पे आज सब वो खा सकते हैं, नहीं खाना चाहते हैं तब बहुत अच्छा है, नहीं खाए मांस खाना चाहते खा सकते, नहीं खाना चाहते बहुत अच्छा है, ये इस प्रकार से करके उनको छोड़ दिया गया, मतलब उसी में पादक नहीं माना। अब उसी में पादक नहीं मानने से ये संस्कार नारंभिका, लेकिन
जिनको करने के लिए कहा, चतुर्थ वर्ण के लिए भी कुछ कार्यों को करने के लिए कहा। कल हमने समझाया था कुछ संस्कार उनका है वो सब करने के लिए कहा। अब जो करने के लिए कहा वो नहीं करने पर उनको पाप, नियम में कोई इधर उधर नहीं है ना। कर्म की व्यवस्था तो व्यावहारिक व्यवस्था है, स्पष्ट सीधा सीधा जाता है, आप उसको घुमा फिरा के तो कर नहीं सकते। जैसे कानून नियम होता है, कानून नियम तो समान सबके लिए होता है, ऐसे ही होता है। जिसका विधान नहीं है उसका आप उल्लंघन करो या नहीं करो, करो आपकी इच्छा, लेकिन विधान है उसका उल्लंघन किया तो पाप। यही पाप पुण्य की व्यवस्था है, इसी को लेके लिखा जाता है। आदि शब्द न पत्यु हवाए दद इत्यादि गृह्य थे, ये वाक्य आएगा आगे। आदि शब्द से ये जो संस्कार नहीं होने के कारण, यानी विशेष प्रावधान देकर के विशेष नियमों को पालन कराते हुए जो शुद्धिकरण होता है, पवित्रीकरण होता है, वो पवित्रीकरण नहीं होने के कारण उनको पत्यु हवा एदत स्मशान इत्यादि वाक्य आगे देंगे। ऐसा अपवित्र रहता है तो वेद आदि कार्य करने के लिए जो पवित्रता जरूरत है वो पवित्रता नहीं, स्नान आदि की पवित्रता नहीं। वो कह सकते लोग स्नान आदि करेंगे, चंदन लगाएंगे, खुशबू लगाएंगे तो पवित्र हो जाएगा, ऐसा तो संस्कार की पवित्रता ले रहे, वो संस्कारित होने से वो पवित्रता आती है और तब जाके वो मंत्र के द्वारा पूज मंत्र बोध जिसको बोलते हैं वही पवित्र होता है। वो नहीं होने से उनको ऐसा कहा गया। वो जो आगे वाक्य भाष्यकार देंगे तब उसकी व्याख्या आगे। ठीक है, शूद्र से विद्या अनधिकारे लिंगांतर माह, और भी एक लिंग मना और भी एक कारण बताना चाह रहे। तद अभाव निर्धारण प्रवृत्ते ऐसा एक दूसरा प्रसंग छांदोग्य उपनिषद में है, जाबाल सत्यकाम के विद्या में। तो वहां ये निश्चय किया कि जाबाल सत्यकाम गुरुजी के पास जाता है, हरिद्रुम के पास जाता है, हरिद्रुम गुरुजी के पास जाते हैं तो जाकर के कहते हैं कि मुझे विद्या अध्ययन करना। तो जैसा कल हमने बताया कि आप गुरुजी के पास जाएंगे तो गुरुजी ये सब पूछेंगे, आप कहाँ से क्या है ये सब पूछना है, बिना पूछे ही बताना है। ये कल आपको हमने बताया था, ये परंपरा थी। तो जाके ही किसी को बड़े आदमी को जब हम मिलते हैं तो अपना परिचय देकर के ही प्रणाम करना होता है, जिसको अभिवादन शब्द से कहते। तो ऐसा अभिवादन किया, करने के बाद में गुरु जी ने पूछा किम गोत्रोसि, तो क्या गोत्र है आपका, कुछ इसलिए पूछना था उनको, कोई परीक्षा करने के लिए नहीं पूछा। यदि उनको विद्या अध्ययन कराना है तो जिस गोत्र के होंगे उस गोत्र के अनुसार कराना, वो बनाए आदि क्रिया उसी के अनुसार कराना। और कोई कोई गोत्र में कल हमने कहा विशेष कुछ नियम है, कोई कोई गोत्र का कोई कोई गोत्र वाले नहीं कर सकते, ऐसा भी नियम है जैसे विवाह आदि में नियम है। तो वो भी जानने के लिए शायद हरिद्रम ऋषि ने पूछा उनको कि किम गोत्र, पूछने से गोत्र से तो बाकी मालूम हो जाएगा सब कुछ, उनके जो है परंपरा क्या थी क्या है कैसे सब मालूम हो जाएगा, सान्वय का ज्ञान हो जाएगा। लेकिन वो गोत्र नहीं जानते थे, तो माला जी ने जो कुछ कहा वैसे ही उन्होंने वाक्य वहां बोल दिया। क्या बोला कि जाबाला तु नामा हम अस्मी, जबाला तु नामा हम अस्मी, जाबालो तुम अस्मी, जाबाल सत्यकाम तुम हो, मेरे नाम तो जबाला है और मेरे साथ संबंध होने से तुम्हारा नाम ये है, इतना मैं जानता हूँ, बाकी मेरा ज्ञान नहीं है, ऐसा वो माता जी उनको सुनाती। तो वो ही वाक्य को दोहराते हैं, तो ये वाक्य है। तो अब ऐसा दोहराने पर हरिद्रम जी तुरंत कह देते हैं कि ले ब्राह्मणो व्यक्तुम अर्घति समिधम सौम्य आहारा उपत्वा नेशिये न सत्यादगा, तुम सत्य वचन ऐसे ही बोला, कुछ और बोल सकते थे लेकिन ऐसा नहीं जैसा माता जी ने जिस प्रकार से तुम्हें समझा करके छोड़ा वैसे ही सत्य वचन तुमने बोला, सत्य वचन से सत्य वचन का उल्लंघन नहीं किया, इसीलिए तुम अब्राह्मण नहीं हो सकते।
माने ब्राह्मण का जो स्वाभाविक धर्म है सत्य वजन शम दम उपरि आदि जो धर्म है उन धर्मों से युक्त है, ऐसा होने से ही तुम ये निडर होकर के ये सत्य वजन बोला। ये सत्य वजन नहीं बोलते तो वहां क्योंकि सत्य वजन बोलने का प्रयोजन क्या है और उसका दोष असत्य वजन बोलने का दोष क्या है, ये जो भली भाली जानते हैं वही सत्य वजन का आश्रय लेंगे और जो अलौकिक का विश्वास रखते हैं पुण्य पाप पर विश्वास रखते हैं वो ये लेंगे। तो ये स्वाभाविक रूप से ऐसा है करके आप निश्चय किया तो ये निर्धारण बोल तदा भाव निर्धारण मैंने अब्राह्मणत्व का अभाव, अब्राह्मणत्व का अभाव निश्चय होने से फिर हरिद्रम जी उपनयन कराया आहरत्वा निश्चय ऐसा करके आपको उपनयन कराता हूँ तो समझा लाओ बोल दिया फिर उपनयन कराया ये कारण बोला। आगे उसके लिए हेतु भी दिया न सत्यातगा ये कारण है बाकी तो कुछ भी हो आप सत्य वजन का पालन किया इससे ये निश्चय होता है ऐसा ये भी एक कारण बनता है। इदश्च न शूद्रस्य अधिकारः अब ये तीसरी हेतु दे सूत्र के हिसाब से तो तीसरा है वैसे तो चार पांच हो गया पांच हेतु हो गए दो हेतु तो भाष्यकार ने दी। इदश्च न शूद्रस्य अधिकारः यद सत्य वचनेन शूद्रत्व अभावे निर्धारिते जाबालं गौतमः उपनेतुम् अनुशासितुं च प्रवृत्ते ये जिससे सत्य वचन के द्वारा यद माने जिस हेतु से सत्य वचनेन शूद्रत्व अभावे निर्धारित वो शूद्र नहीं है ऐसा निश्चय करने के। अब सत्य वचन के द्वारा शूद्रत्व अभाव का निश्चय कैसे हो गया ये स्वाभाविक को लेकर के बोलो क्योंकि यदि चतुर्थ वर्ण है तो चतुर्थ वर्ण को इन सब का जो नियम है या उसका जो फल है उसका स्वाभाविक अभ्यास नहीं रहता जैसा पहले कहा उनको कोई संस्कार नहीं है न संस्कार मगधि का तो संस्कार की आवश्यकता नहीं तो ऐसा नियमों का पालन वो चलता है वो बोलते भी है कोई झूठ बोलता है कभी घुमा करके बोलता होता है अब उतने पक्के पालन नहीं करते सामान्य रूप से। अब ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोलेंगे ही ऐसा नहीं है क्योंकि जो सामान्य नियमों में आया उसके सबसे पहले अहिंसा सत्य आदि ही आया वो तो चारों वर्ण के लिए समान है। ऐसा होने पर भी उसका इतना परिपालन इतना सख्ती से परिपालन नहीं होता ये मान करके सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि चतुर्थ वर्ण सारे झूठ बोलने वाले ऐसा आरोप नहीं है ये सामान्य नियम को लेकर के मन अधिकतर ये देख करके चलना पड़ेगा। तो सत्य वजने न ये सत्य वजन ऐसा देखा जाए तो आजकल तो जितने जितने बड़े कोट सूट पहन के घूम रहे हैं सब ऐसा ही है तो फिर वो तो कोई हो नहीं सकता है तो फिर भी मान करके चलना पड़ेगा। अब आजकल क्या है झूठ को असत्य को एक मतलब मान्यता दे दिया असत्य बोलना पड़ा इतना कुछ नहीं यार एक असत्य बोल दिया तो क्या हो जो चार बोलते कर सकता है ऐसा कर दिया गया इसलिए यही स्थिति है। देखिए अब ऐसे भाव आपके मन में आ गया तो आप सत्य बोलने की जिम्मेदारी क्यों लेंगे वही चले जाएगा आपके मन में अरे सत्य भी बोलो असत्य बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब जितने ये बोल रहे हैं सब नास्तिक है उनको नास्तिक तो स्वीकार करना पड़ेगा तो उससे क्यों पुण्य बाप को मान नहीं रहा यदि भी पुण्य बाप का फल का अनुभव कर रहे हैं तब भी नहीं मान रहे इसका मतलब उतने गंभीरता से उसको नहीं ले रहा इसी दृष्टि से हम बोल रहे ये भी इतना गंभीरता से नहीं लेते हैं वो चलता है उनका पैसा इसीलिए सत्य वचने न शूद्रत्व अभाव निर्धारित है शूद्रत्व अभाव का निर्धारण होने पर अब्राह्मण शब्द का अर्थ तो ये कह रहे ऐसा निश्चय होने पर जाबालम गौतम उपनेदुम अनुशासितुम प्रवृत्त जाबाल को गौतम ऋषि गौतम हरिद्रम जो ऋषि है वो अपने आप उपनयन भी कराए और अनुशासित आगे विद्या अभ्यास कराने के लिए भी प्रवृत्त हुए मतलब अपने शिष्य बना क्या वचन कहा उन्होंने ब्राह्मणो विवक्तुमर्हति समिधं सौम्याहर उपत्वा मेष्ये न सत्यादगाः गौतम हरिद्रम जी कहते हैं कि ब्राह्मणो विवक्तुमर्हति जो तुमने कहा जो उत्तर दिया ये अब्राह्मण नहीं कह सकता ब्राह्मण इधर नहीं कह सकता
तो ब्राह्मण ही कहेगा, ऐसा मान करके समिथम सौम्यागर समिथा लाओ ऐसा कहा, और ऊपर स्वामीशी तुमको उपनयन कराऊंगा ऐसा उपनयन कराया। एक नंबर टिप्पणी, ननु इदम ब्राह्मण्य अनुर्धारण न शूद्रत्व अभाव अनुर्धारण दीजिए, आपने ये कैसे निश्चय कर दिया कि अब्राह्मण कहने से, अब्राह्मण को नया समास होता है न ब्राह्मण अब्राह्मण इतना ही निकलता है, इससे यह अर्थ नहीं निकलता है कि वो शूद्र है चतुर्थ वर्ण है, ऐसा नहीं निकलता। ब्राह्मण से इधर तो क्षत्रिय भी है वैश्य भी है, बाकी तो पेड़ पौधे आदि सब ब्राह्मण से इधर ही है, तो केवल वो तो होता नहीं जो जितने भी जानवर है सब ही ब्राह्मण से इधर ही है, तो ऐसा होने पर कोई भी हो सकता है, तो वो आप चतुर्थ वर्ण में कैसे ले गए ये पूछना चाह रहे, ये शास्त्र का कुछ नियम बता। नीदम ब्राह्मण्य निर्धारण शूद्रत्व अभाव निर्धारण, वो अभाव निर्धारण तो नहीं होगा ना, मैंने अब्राह्मण कहा इसका मतलब अभाव निर्धारण तो नहीं है दीदी ना, क्यों अत्र अब्राह्मण्य पदस्य सामान्य परस्यापि वाक्य शेष वशेन शूद्र परत्वा, ऐसे न्याय रक्षामणि ने कहा। यहाँ जो अब्राह्मण पद है वो मान्य स्मृति में भी और उनके जो भाष्य व्याख्याओं में भी आया है, वहां भी कई जगह अब्राह्मण पद आया, तो अब्राह्मण पद का क्या अर्थ देना चाहिए वो मेधा दीदी जो भाष्य है उसमें सब निश्चय किया इस प्रकार। तो अब्राह्मण पद से सामान्य परस्य, ये सामान्य है उसने कह दिया ब्राह्मण नहीं है, नहीं है तो नहीं हो सकता, तो उससे निश्चय हो गया कि ब्राह्मण ही है ऐसा निश्चय कर दिया, तो वो शूद्रत्व का निषेध कैसे हो गया ये पूछ रहे थे, तो बोला कि ये सामान्य पर है तो भी वाक्य शेष वशे ना शूद्र पर, वो वाक्य शेष को आप देखने से ऐसा मालूम पड़ेगा कि किस उद्देश्य से उन्होंने कहा, क्या शब्द कहा तो अब्राह्मण शब्द इतना ही कहा, लेकिन क्या उद्देश्य से कहा इससे मालूम पड़ता, तो शास्त्र नियम के अनुसार होना चाहिए। अब ऐसा होकर के वो जाके मांग रहा, अब इसमें ये जो प्रसंग है इसमें बहुत तो कुछ खलता है, बहुत समय से लोग इसको व्याख्या करते हैं अपने अपनी दूर से, और क्या क्या व्याख्याएं हैं बहुत विस्तार विषय है, और उस पर भी इंतजार हो रहा है, शायद पहले हमने कुछ सुनाया भी था, आगे फिर एक बार प्रसंग आएंगे फिर सुनाएंगे, जो अभी बताएंगे तो और विस्तार हो जाएगा, लेकिन सामान्य यही है कि जो कुछ व्याख्या कर रहे हैं लोग इस जाबाल के सत्यकाम के प्रकरण को लेकर के, ये विषय से बाहर है और हमारे संस्कार के अनुकूल नहीं ऐसे कहते, और वो विदेशी लोग जो व्याख्या करते हैं उसी को लेकर के वो बोलते हैं सत्यकाम जाबाल के जो महादाजी थे वो मैंने परिचारिका थी, परिचारिका होने से गुरु उनके पुत्र है, ऐसे ऐसे कहते हैं बहुत कुछ ऐसा कहते हैं, ये सब नहीं है सामान्य नियम के अनुसार नहीं होगा ऐसा आप सोचने पर, वो प्रसंग भी आगे पीछे आप पढ़ के देखिए कि ये जो भी आरोप लगा रहे हैं वो हमारे संस्कार को भारतीय संस्कृति को थोड़ा भी नहीं जानते हैं, और ये जानते भी है तो उसको बिगाड़ना चाहते हैं, इस उद्देश्य से ऐसी व्याख्या की है। नहीं तो अभी एक तो देखिए यहाँ वो जाबाल जो कहता है, जाबाल माता जी से आशीर्वाद लेता है कि मैं मेरी उम्र हो गई है अब मुझे अध्ययन करने के लिए जाना, ऐसा कहता है, और ऐसा कहते हुए ये कहता है कि बिना अध्ययन किए हुए हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए मैं गुरु के पास अध्ययन करना चाहता हूं। अब उतने से मालूम होता है कि वो बालक का क्या संस्कार है, यदि वो बालक अपने आप का माता जी बुला करके बोली नहीं कि तुम्हारा जो है उम्र हो गया भाई तो पढ़ने जाओ, ऐसा बोली नहीं, तो वो अपने आप जाके कहा, इससे तो उसका तो पक्का संस्कार मालूम होता है। और दूसरी बात है कि माता जी भी कुछ घुमा सकती थी, अब वो तुम पढ़ना चाहते हैं यदि वो इस प्रकार से जैसे वो कह रहे हैं परिचारिका होती मन चतुर्थ वर्ण की कोई स्त्री है ऐसे उनकी मन उनका आशय वो किस प्रकार हो सकता है, यदि ऐसा है तो वो जरूर ऐसे बोलने वाली थी देखो तुम पढ़ने जाएंगे तुमको कोई पढ़ाएंगे, तो अब ऐसा है तो इसलिए तुम घुमा फिरा करके ऐसे ऐसे बोलो कुछ ना कुछ समझाने वाली थी, यदि उनके अपनी तरह से हो तो जैसा आजकल लोग में व्यवहार में होता ही है, कई लोग अपने जाति का नाम बदल देते हैं,
आपको पता होगा कि जाति को भी इधर उधर बदल रहे, क्यों? ये जब से जैसे ये आरक्षण आया ना, आरक्षण के चक्कर में बहुत सारे लोग जो है हाँ बस उल्टा बनाना चाह रहे, और बदल इधर भी हम एक दो को जानते हैं जो अपना सरनेम के चक्कर में वो नौकरी मिल गया, लेकिन है तो वो ऐसा नहीं है, क्योंकि कई जगह सरनेम दोनों का होता है, दोनों का विरुद्ध। जैसे शर्मा है, एक उदाहरण के लिए मैंने बोला था आपको, शर्मा जो सरनेम रखते हैं अंतिम उपनाम रखते हैं, ये ब्राह्मण को भी होता है, और जो बड़ौई है, बड़ौई कोई वही कारमंडल है, उनको भी होता है। और यहाँ तो लोकल में राणा जो होते हैं, यहाँ राणा भी दो अलग अलग है, क्षत्रिय भी है और चतुर्थ वर्ण भी है, ऐसा ये बहुत है। ये तो वर्मा है, जैसे आप जानते हैं वर्मा तो एक तो राजपूत होते हैं, वर्मा राजा होते हैं, और जो ये सोने का काम करते हैं सुनार होते हैं, उनका भी नाम वर्मा लगता है। अब क्या करेंगे, तो ऐसे में बहुत है, हमारे वहां भी वैसे बहुत है, दक्षिण के तरफ भी दो दो नाम के राव है, राव तो बहुत प्रसिद्ध है, वो तो इधर भी है उधर भी है, वो पता नहीं चलाना मुश्किल है। हाँ तो राव लगा देते हैं वो। ये सब कब हुआ है कि ये मुगलों के राज्य के बाद में ये सब हुआ। अब इसके ऊपर यदि आप स्टडी करके पीएचडी करेंगे तो आपके सारे भारत के चरित्र मालूम हो जाए, क्यों वास्तव में अभी अभी हमारा संविधान आने के बाद 50 साल या 75 साल जो भी हुआ इसका आप देखेंगे तो इसका इतना ही स्टडी करने से आपको मालूम होगा समाज में कैसे कैसे परिवर्तन होगा और संविधान के अनुसार कैसे कैसे परिवर्तन होगा, जो हो रहा है और आगे होने वाला है अनुमान आप लगा सकते। जैसे अभी आरक्षण की बात है, अन्य अन्य बातें जो आ रहे हैं, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक का मतलब क्या है, वो भी ऐसी समस्या है। अब कई जो है उल्टा अल्पसंख्यक है तो वो भी नहीं होता है, एक सामान्य बना दिया, अब हिंदू अल्पसंख्यक कह दिया, वो बहुसंख्यक होने पर भी अल्पसंख्यक, कई राज्य में बहुसंख्यक है तो भी उनको अल्पसंख्यक माना जाता, इससे कैसे होगा आदि जगह कई जगह है। तो वो मैंने कोई ऐसा नहीं है, वो बना दिया, अब कानून में लिखा है, आपको वो मानना पड़ेगा, वो है ना है कोई बात नहीं। इस प्रकार से बातें हैं, ऐसे ही यहाँ भी है, आप देखेंगे कि वो उधर उधर कुछ नहीं घुमा रही है, जो सच्चाई है उसको बता रहा है, और वो सच्चाई में वो जो शब्द प्रयोग किया वो शब्द उनके दृष्टि से वो जिस अर्थ में लगाना चाह रहे हैं वो होगा, लेकिन हमारे दृष्टि में हमारे संस्कार के अनुसार ऐसा नहीं है। पति की सेवा करना भार्या का पत्नी का कर्तव्य है, वो कर्तव्य के अनुसार वो बोल रही है, और बाकी जो गोत्र के बारे में पूछना, इधर उधर की बात पूछना, आपके पिता मौका प्रविधा में कौन है, ये सब पति को पूछना और उनके सारे डिटेल्स लेना, वो आजकल की प्रथा, आजकल जो है ये सब किया जाता है, उस जमाने में ऐसा नहीं होता था, वो सब पूछने का काम वो कन्यादान के पहले होता है, वो पितृकर्म है, वो सब पिता करते हैं, पिता दादा मामा चाचा जो भी होंगे वो करेंगे, वो ये कन्या का काम नहीं है कि कौन कैसा है क्या है सान में सब दे करके ये करना, क्योंकि आजकल तो लोग इसी दृष्टि से समझते हैं, आजकल पहले शादी के पहले भी फिर एक साथ रखने का भी विचार है, चल ही रहा, शादी तो बाद में होंगे, अब वो एक साल दो साल से एक साथ रह रहे हैं, सब कुछ साथ में खा रहे पी रहे नौकरी कर रहे जो भी कर रहे, ये प्रथा है। अब ये प्रथा के हिसाब से आप पीछे का समझने जाएंगे तो कैसे आपको समझना है, युद्ध है ना, इसी दृष्टि से वो शब्द को उन्होंने ऐसा अर्थ में लगा करके बहुत कुछ गलत किया, ये इसके विषय में विस्तार से अभी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इतना ही समझ लीजिए वो गलत है, उस अर्थ में यहाँ नहीं हो सकता है। और यहाँ भी आके देखिए, यदि ऐसे कोई व्यक्ति का इस प्रकार से वर्णन करने के कुछ कार्य होता तो ये गौतम ऋषि आदिद्रम ऋषि पूछते ही नहीं थे, पूछने की क्या जरूरत है, जब आ गया तो ठीक है उनको योग्य समझ करके तुरंत करा देते, तो पूछा इसका मतलब क्या है, वो प्रथा वो जो नियम है लागू है, उसका उल्लंघन नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने पूछा, अन्यथा कैसे पूछेंगे, क्योंकि पिता के साथ आया नहीं, वो अकेला आया, माता जी लाई नहीं, वो अकेला आया, अकेला आते तो हमें पूछना पड़ेगा, पूछना पूछे बिना कैसे वो पता चलेगा, और ये नियम है। और दूसरी एक बहुत रहस्य बात इसमें क्या है, आप देखना
ये उपनयन तो कराया उन्होंने, उपनयन कराने के बाद में आगे विद्याभ्यास नहीं कराया, मैंने उनको बिठा करके पढ़ाया नहीं, बिना पढ़ाए उपनयन करने के बाद तुरंत बोल दिया आप गायों को 400 गायों को दे दिया, 400 गायों को लेकर के वन में जाओ बोल दिया। इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य है, कई लोग इसके बारे में सोचा नहीं है, भाष्यकार ने इसकी सूचना वहां दी है भाष्य। 400 गाय को लेके बोला जाओ बोला गो सेवा करो बोल दिया। अब वो जाते समय वो क्या सोचता है, अरे हम पढ़ने के लिए आए हमारे पास 400 गाय दे दिया और वन में भेज दिया। सीधी देखिए वो बेचारे कितनी आशा से गुरु से अध्ययन करने के लिए आए होंगे, माता जी से अनुमति लेके। आप प्रसंग आप देखने के नाटकीय ढंग से आप देखेंगे तो आपको वो उनका जो विकार है वो इमोशन हमको दिखाई पड़ता। अब आते ही गुरु जी ने कह दिया 400 गाय दे दिया, आश्रम में रखा भी नहीं, दूध पिलाया होगा, होगा तो होगा नहीं तो पानी पिलाया होगा, जो भी होगा। उसके बाद गए ये गाय लेको आप बन में जाओ सेवा। अब जाते वक्त वो क्या सोचता है, अरे हमको फंसा दिया गाय दे दिया, ऐसा नहीं सोचता। वो मन में अंदर अंदर सोचता है जब तक ये गाय हजार नहीं हो जाएंगे मैं वापस नहीं आऊंगा। अब देखिए कितना ऊंचा भाव है उसका, एक बालक ऐसे संस्कार वाला हो सकता है आजकल? आप कहीं सोच सकते हैं आप 400 गाय का एक गाय को भी सेवा करने की तैयार नहीं, समझ में झाड़ू नहीं लगाता बाकी तो छोड़ो। तो ये आप भाव देखिए उसका, तो वो क्या समझ रहा है, गुरुजी बोला नहीं तुम हजार बना के आओ ऐसा आदेश नहीं दिया, वो अपने आप मन में सोचता है जब तक 1000 नहीं बनेंगे तब तक मैं उनको चलाता रहूंगा। अब जाता है फिर आप कथा जानते हैं, वो सेवा भाव से वहां करता रहता है और फिर एक एक जाकर के हंस आदि आके पक्षी आदि आके उपदेश देते हैं, गाय भी है हंस भी है और पक्षी आदि उपदेश देते हैं, अग्नि उपदेश देते हैं, चारों से उनको चार पांच ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म का ज्ञान होने के बाद वापस आता है। अब क्या यह रहस्य क्या बताना चाह रहा हूं, इसमें गुरुजी ने गुरुजी का नियम का पालन किया, शिष्य ने शिष्य का नियम का पालन किया, बीच में ये गोत्र के अनुसार जो विद्या वेद आदि अध्ययन अध्यापन कराना था वो बिना पक्का किए कराने पर गुरुजी पर दोष लगने वाला था, इसीलिए उन्होंने नहीं किया, इसीलिए उन्होंने देव पर छोड़ दिया, अलौकिक शक्तियों पर छोड़ दिया, भगवान पर छोड़ दिया। भगवान पर छोड़ करके यदि ये सच्चा शिष्य है, इसके अंदर ये सब गुण है तो इसको जो ज्ञान चाहिए वो प्राप्त होगा, उसका अपने आप कार्य हो जाए, गुरु के आश्रित होके किया हो मतलब मनमानी करने से आपको प्राप्त नहीं होगा, ये भी वहां मालूम हो रहा। गुरु तो स्वीकार किया किंतु पढ़ाया नहीं, वहां की कथा में ऐसे दिखता है ना, गुरु तो स्वीकार किया लेकिन पढ़ाया नहीं है, ऐसा यदि मानेंगे तो ये सारी बातें वहां व्यवस्थित हो जाती है, क्योंकि बिना जाने भी नहीं करना चाहिए ये नियम है। अब नहीं करा तो वो कौन सा वेद पढ़ाएंगे, कौन सा शाखा को पढ़ाएंगे, जब उनका गोत्र मालूम नहीं हुआ, नहीं सान्वय मालूम नहीं हुआ कि इस शाखा को पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है। और ये नियम है यदि ब्राह्मण आदि को जो उपनयन करा करके यदि वेद पढ़ाना है तो स्वशाखा को पहले पढ़ाना है, और स्वशाखा को पढ़ाए बिना जो अन्य शाखा को पढ़ाता है वो गुरुजी को भी दोष लगता है, प्राचित करना पड़ेगा, शिष्य को भी प्राचित करना पड़ेगा, ये नियम है शास्त्र। अब यदि ऐसा करते तो उल्लंघन हो जाता उसका, मालूम ही नहीं है। ठीक है ऋषि होने के कारण वो दिव्य शक्ति से जान सकते थे इत्यादि हम कल्पना कर सकते हैं, लेकिन व्यवहार विषय में वो कल्पना नहीं चलती, व्यवहार विषय में जो नियम चल रहा है उसका पालन, उसका उन्होंने पूरा पूरा पालन किया हुआ ऐसा दिखता, एक अद्भुत बात है। और बाद में जब देखना वहां जाके उन्होंने जो भी सेवा किया अग्नि आदि ने उपदेश दिया, अग्नि देवता है अग्नि उपदेश दिया, उसका मतलब क्या है, वो उसी के लिए प्राप्त योग्य सिद्ध अधिकारी था इसीलिए उनको उपदेश दिया। उसके बाद वापस जब आया आचार्य स्तुते के दिन वक्ता बोल दिया उन्होंने, आचार्य जो है आचार्य देव विद्या साधिष्ठंभवती, वो वाक्य भी आता है। तो ऐसा उनको उपदेश देने के बाद ब्रह्मज्ञान ब्रह्म का चार पाल का ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया ना, अब उससे पक्का क्या हो गया कि इसमें और कोई दोष नहीं है, ब्रह्मज्ञान के लिए अधिकारी है, वहां कोई कर्मकांड उनको सिखाया नहीं, क्योंकि ब्रह्मज्ञान का प्रकरण है तो ज्ञान का ब्रह्म का प्रकरण है, कर्मकांड का प्रकरण नहीं है, इसलिए वो लगने वाला नहीं। और बाद में आकर के
आचार्य उसके लिए आशीर्वाद देता, आशीर्वाद रूप में जो उपदेश देना है आचार्य गुरु देना इत्यादि जो बोला गुरु चार्य। तो ये सारी बातें को वहाँ ऐसा तालमेल बिठा रखा है कि आपको उसके एक एक पंक्ति को अपने संस्कार और अपने नियमों के अनुसार चिंतन करना पड़ेगा। अब वो मीमांसा शास्त्र और कर्मकांड का ये नियम नहीं जानते हैं तो वो प्रसंग आपको समझ में नहीं आएगा क्यों ऐसा किया। अब वो शिष्य की योग्यता देखिए, गुरु जी परेशान किया नहीं सोचता है, वो मुझे सेवा करने का मौका दिया है, 400 गायों को दिया, 400 गायों को सेवा करने से मुझे फल प्राप्त तो होगा ऐसा उसको पक्का पता था, तभी तो वो 1000 बनाने के चक्कर में मानने सोच रहे। देखिए ये है अधिकार। अब ब्रह्म विद्या होने के कारण बाकी का जरूरत नहीं, क्योंकि ब्रह्म विद्या आपको अन्य प्रकार से भी लौकिक अलौकिक शक्तियों से भी प्राप्त हो सकती है। अब भाषिका कहेंगे आगे पूर्व जन्म से भी आ सकते हैं, तो वहां ब्रह्म विद्या का प्रकरण, 4 पाद का प्रकरण है वहां, वो पूरा हो जाता। तो गुरु भी है और नियम भी पालन हो गया और वो अलौकिक जन्म से प्राप्त, ऐसी एक विशेष बात उस प्रसंग में लिखा है। अब वो आगे जाकर के जब उपकौशल के आते हैं तो वहां ऐसा नहीं, वहां उपकौशल साथ में रहता है, पूरा अध्ययन करा रहे हैं, वो जाबाल वहां गुरु है, जाबाल के शिष्य है उपकौशल, तो जाबाल गुरु है तो वहां अध्ययन करा रहे हैं। अध्ययन कराने के बाद भी उनको जो भी दोष है उसका निवारण के लिए बाद में फिर करता है। ये है दोनों कथाओं में अंदर, वो अलौकिक की शक्ति ही वहां दिखा देगी, तब तो आपको कुछ भी बाधक नहीं। यदि अलौकिक आपको विद्या प्राप्त हो जाती है ना, वहां फिर आपको गोत्र मंत्र आदि कोई आवश्यकता नहीं, वो क्योंकि वो तो सीधा देवी के संबंध से आ रहे हैं, जैसे आदित्य से याज्ञवल्क्य को प्राप्त हो तो आदित्यादेव इमान यजूंषी कहा, तो ये सारे यजुर्वेद उनको वैसे प्राप्त हुआ, वो एक अलग स्थिति है, वो तपस्या से आपको प्राप्त हो। और वहां कौन से विधि है, कौन से गोत्र है, वहां कोई नहीं होता, उससे प्राप्त हो जाए। हनुमान जी की कथा में कहते हैं हनुमान जी को सारा ज्ञान सूर्य से प्राप्त हो, वायु देवता से प्राप्त हो इत्यादि, ये भी वहां विशेष बात ध्यान रखने की है, इसलिए वो कथा के इधर आ गया। ठीक है, सत्यकामो जाबालो ब्रह्मचर्य कालम आलक्ष्य प्रमीत पितृक स्वाम मातरम जाबालम अपृच्छत। ये हुआ कि सत्यकाम जाबाल ब्रह्मचर्य काल को जानकर, उन्होंने उनको उम्र हो गई है ऐसे जानकर आलक्ष्य प्रमीत पितृक, प्रमीत मैंने जिसके पिता प्रेत हो गए, प्रमीत हो गए चले गए नहीं मर गए हैं, उनके पिता अभी जीवित नहीं है, स्वर्गवास हो गया, तो प्रमीत पितर कहा स्वाम मादरम अपनी मादा को जाबाला जाबाल मादा की मादा को पूछा, क्या पूछा, भगवती कस्यचित् गुरोः आवासम आसाद्य ब्रह्मचर्यम आचरितुम इच्छामि, ऐसे उन्होंने कहा भगवती आदर से माता जी को बुलाए, कस्यचित् गुरो हो किसी गुरु के आवास आसाध्य गुरुकुल में जाकर। अब ये गुरुकुल जो होता है ना, एक कुल ये जो शब्द है ये भी बहुत विशेष है, कोई विद्यालय नहीं है, गुरु का कुल है, कुल मतलब वहां जाने पर भी जैसे घर में आप रहते हैं वैसे रहेंगे, वैसे रह के वैसे सहारा मिलेगा। आजकल कोई कुल में आप थोड़ा सोच लीजिए, अब आजकल क्या 20 साल पहले भी सोच लीजिए, तो कोई भी ऐसा विद्यार्थी बच्चा यदि कोई स्कूल में जाके ऐसे बोलेगा कि मैं मेरी उम्र हो गई पढ़ने के लिए आप हमको भर्ती करो और पढ़ाओ कुछ, क्योंकि काल के अंदर और संस्कार के अंदर विचार के अंदर कोई करेगा क्या, नहीं करेगा, वो तो भगा देगा या चाहे तो पुलिस को पकड़ा देंगे ये बच्चा कहां से आ गया ऐसा, ये है स्थिति। वो उन्होंने कोई आइडेंटिटी कार्ड कुछ नहीं दिया या कुछ भी उनका पूरा ज्ञान भी नहीं है, ऐसे जाके सीधा गुरु के पास पूछ सकता था, क्योंकि वो सत्य वो नियम वो निष्ठा उस समय भी नहीं रही, ये ऐसा हो सका। तो उन्होंने स्वीकार तो किया, गुरु स्वीकार करके आगे कार्य तो किया, इससे मालूम होता है कि वो व्यवस्था के अनुसार ही चल रहे हैं। ऐसे गुरुकुल को प्राप्त करके ब्रह्मचर्य आचरितु इच्छामि, ब्रह्मचर्य का नियम पालन करते हुए यानी अध्ययन में करना चाह रहा हूं कहा। तो ब्रवीत भगवती किम गोत्रोहमिति,
तब उनको मालूम था कि वहां जाते ही गुरुजी पूछेंगे, ये भी तब संस्कार है उसको, जो बालक है 8 साल का 7 साल का जो भी होगा उसको जाने कि वहां जाने पर ये पूछेंगे, इसीलिए उन्होंने पूछा अगर क्या बोलना गोत्र क्या बोलना, उनको मालूम नहीं था। प्रवीत भगवती किम गोत्र हुआ तो साधु तो पितृचरण परदया नाहम तदा वेदिशम जबाला हमस्मी तुम जाबालो असी अवगतम अवादी, जो कुछ वो जानती थी उतना वो बोलती, देखो मैं वो जानती नहीं हूँ कौन से गोत्र तुम्हारे पिता का क्या गोत्र था मुझे याद नहीं है, स्मरण नहीं आ रहा है। और तो पितृ चरण परदया आपके पिता के चरण सेवा से मन आपके पिता की सेवा में मदी की सेवा में ना हम तदा वेदिश पिता का नाम भी नहीं बोल रहे, यदि नाम बोलते तो नाम के साथ जोड़ दी और नाम उच्चारण नहीं करने का नियम है, पति का नाम उच्चारण नहीं करना चाहिए ऐसा नियम बनाया। आजकल किसी को कहेंगे तो लोग हंसते, पति का नाम क्या है उसको तो ऐसे डांट करके बुलाते नाम सेवन, तो वो भी यदि पति के नाम भी जानती होती तब तो अच्छी बात थी, तब सब समस्या दूर हो जाता, वो पति कौन है मालूम हो जाता, और पति का नाम भी उच्चारण नहीं करते तो पितृ चरण बोले तुम्हारे पिता ऐसे ही करके बोलते इनडायरेक्ट होता है। तो तुत पितृ चरण परतया नाहम तदवेदिशम, इसलिए मैंने उसको नहीं जाना, वो गोत्र के बारे में पूछा ही नहीं, वो कोई प्रसंग नहीं आया, गोत्र पूछने का जानने का कोई प्रसंग नहीं आया, क्योंकि गोत्र का कहां कहां काम होता है ये शास्त्र में निर्धारित है, हर दिन गोत्र का कोई काम तो है नहीं, क्योंकि इसमें और भी बातें हैं, अभी गोत्र का काम कहाँ कहाँ होता है और कहाँ कहाँ स्त्रियों को जरूरत पड़ता है, ये दोनों अलग अलग है। अभी जो अध्ययन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ चाहिए, तो उपनयन से लेकर के पहले हो गया, पहले उपनयन के समय में गोत्र का ज्ञान चाहिए पक्का, वहीं चाहिए, उसके बाद में उस बच्चा को जब मैंने समावर्तन होके जब वो विवाह में जाएगा तो विवाह निश्चय जब होगा तब गोत्र का ज्ञान चाहिए, कौन सा गोत्र से लाना है इत्यादि देखना पड़ेगा। अब उसके बाद में फिर जो नित्य संध्या करते हैं तो नित्य संध्या में आप गोत्र का नाम स्वयं उच्चारण करते हैं, कर्मकांड करते हैं तो गोत्र का करते हैं, ये सारे आप देखिए तो अंधे केवल संन्यास के पहले तक संन्यास में चाहिए तो संन्यास कर्म के तक आपको ये गोत्र का सब जगह होता। अब ये सब पुरुषों के लिए होता, स्त्रियों को गोत्र का ज्ञान विवाह के समय में चाहिए, जानना चाहिए, वो भी स्त्री को जो कन्या है कन्या को स्वयं जानने की उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो निश्चय करेंगे पहले, यदि उच्चारण की भी होगी तो भी वहां उसी समय उनको आवश्यक होता है, और रोज रोज उनको गोत्र का नाम की आवश्यकता ही, बाकी आगे कोई गोत्र के प्रसंग ही नहीं, तो आप कहां पूछें, किसी भी को भी ऐसी स्थिति है वो भूल जाएंगे, और कई लोग जो है मादा है अभी भी कुछ मादाएं जीवित होंगी जिनको ये पता नहीं रहता है कि वो अपनी बच्चा वो बच्चे का जन्म कब हुआ, एक तो मैं आश्चर्य होता है, हमारे के जमाने में तो सब आ गया तुरंत रजिस्ट्रेशन इत्यादि हो गया, वो तो अलग बात है, लेकिन इसके पहले उनको पूछे वो लगभग बोल देंगे हाँ वो वहां मंदिर में उस समय उत्सव का समय था, फिर जन्म होने के बाद 3 दिन में दीपावली आ गया, ऐसा कुछ इधर उधर के बात बोले उनको पता नहीं रहता है। तो बात क्या होता है, कई लोग ऐसे होते हैं, विशेष करके हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे लोगों में सीधा बोला, अभी आजकल भी एक ने मेरे को कहा, अभी मैंने ज्यादा पुराना नहीं 50-60 साल का होंगे वो व्यक्ति, वो अपने आप बोल रहा था मेरा डेट ऑफ बर्थ पक्का नहीं है क्योंकि माता जी को पता नहीं था, जो भी हमने स्कूल में लगाया वही है, वो बोलता है 2-3-4 महीने का फर्क है ये मुझे पता है ऐसे होते थे। तो अब देखिए उसका दायित्व उन पर नहीं था, वो सब देखने का करने का काम सब पिताओं का अन्य लोगों का होता था, वो करते थे, ये क्या याद रखने का मतलब ही नहीं है उनको, जब ऐसे स्थिति अभी भी है तो उस समय में आप इसके लिए इतने सब दिमाग घुमाने की क्या जरूरत है, सामान्य बात है, वो याद नहीं था इसलिए उन्होंने बोला नहीं, अब वो कोई गोत्र का नाम बोल सकती थी ऐसा ही नहीं बोला, और उसको ये पता है कि माता के गोत्र का इससे काम चलेगा, यदि वो अपने गोत्र जानती भी है वो गोत्र से यहाँ काम चलेगा नहीं, पिता का गोत्र चाहिए यहाँ, वो भी वो जानती है इसीलिए वो बोली नहीं, बिल्कुल सामान्य बात है, और इसको लेकर के ये लोग इतना घुमाया, इतना उन्होंने अपने दिमाग चलाया सारे अर्थ का अनुसार,
ये सामान्य से उन्होंने बोल दिया कि मैं नहीं जानती हूँ, तो क्या कहना है फिर वहां जाके? जबाला हम अस्मी, मेरा नाम तो जबाला है और तुम जाबालो थी, इसलिए तुम जाबाल हो जाएंगे, क्योंकि आपस से प्रत्यय लगेगा तो अन हो जाएगा, तो जाबाल हो जाए, तो जबाल भी पुत्र ऐसा हो जाए। जाबालो असी तेरद अवगदम आवाजी, जो कुछ वो जानती थी वो ऐसी कही, इतने समझाए। तदह सत्य कामो गौतम अभ्युवेद्या अभ्युवाच, फिर सत्यकाम गौतम, सत्यकाम जो है गौतम ऋषि के पास जाकर के अभ्यभाषत, अभिवादन करते हुए ऐसे कहा, ब्रह्मचर्य भगवती चरितुमिच्छामि अनुगृह्णातु माम भगवान की, हे भगवान मैं आपसे अध्ययन करना चाहता हूँ, आपके गुरुकुल में ब्रह्मचर्य वास करना चाहता हूँ, आप अनुग्रह करिए, आशीर्वाद दीजिए। तदो गौतमेन किम गोत्रोसी पृष्ठा नाहम वेदा, तब तुरंत गौतम जी ने पूछा कि आप कौन से गोत्र को, जिसके अनुसार हमको यहाँ कर्म करना, नाहम वेदा कहा नहीं जानता, ना भी मादा ही थी। तब गुरु जी ने पूछा होगा क्या तुमने माता जी से पूछा नहीं, पिताजी से माता जी से पूछा नहीं, बोला ना मादा ही थी, मादा भी नहीं जानती। तेन उक्ते तदीय सत्य वचनेना, ऐसे जो माता जी जैसे कहे वो वचन का ही उन्होंने अनुवाद किया, माता जी ऐसे बोली करके बोली, तो उसकी जो सत्यता और निष्ठा को देखकर, तदीय सत्य वचनेना शूद्रस्य मायावित्व अयोगा तदा शूद्रत्व सिद्धे तदा अपनोतुम तद उपनेतुम अध्यापयितुम च आचार्यो यस्मात् प्रवृत्तः, ये तदीय वचन को सत्य मान करके, सत्य मान का मतलब ये जो ये ब्राह्मण आदि को छोड़ करके अन्य में मायावित्व योगा, वो घुमा फिराने का स्वभाव रहता है, मैंने एक बात को इधर से उधर बोलना, फिर उसमें कोई गौरव नहीं रहता है, ऐसे तो सामान्य बोल सकते हो काम चलाव के लिए करते हैं, जो मायावित्व मैंने हमेशा वंचना करना, झूठ बोलना, घुमाना, ऐसा नहीं है, वो सामान्य चलता है, उनको इतना गौरव नहीं रहता, ये सत्य बोलना चाहिए ऐसा उसका इतना टिका हुआ नहीं रहता, करते हैं करते हैं, आज भी हाँ तो सभी लोग ऐसे करते, तो उनको कोई ये नहीं लगता है कि हमने झूठ बोला है, ऐसा कोई पछताता भी नहीं होता, इसीलिए तद अशूद्रत्व सिद्ध है, इस प्रकार उसको अशूद्र सिद्ध करने पर उपनयन, उपनयन करना आरंभ कर दिया और अध्यापन करना भी आरंभ कर दिया, तो प्रवृत्त तस्मात न शूद्र से अधिकार वस्ती करता, इसलिए भी शूद्र को अधिकार नहीं है, ये सिद्ध होता। कथम उक्त नीत्या गौतम से प्रवृत्ति अनुमुख, इस प्रकार से गौतम ऋषि हरिद्र मद गौतम ऋषि प्रवृत्ति उन्मुख कैसे हो गया, उसका कारण क्या था, तो तत्र उसके विषय में कहा नहीं तद ब्राह्मण, यही कारण था प्रवृत्ति उन्मुख मन उपनयनादि कराने के लिए प्रवृत्ति हुए ऋषि, इसका कारण है कि वो अब्राह्मण नहीं है ऐसा निश्चय। एदत् सत्यवचनं विवक्तुं विवच्य विविच्य निसंदिग्धं वक्तव्यं, इस प्रकार से जो सत्यवचन आपने स्पष्ट रूप से कहा, मैंने कोई घुमाया फिराया नहीं, जैसा प्रश्न पूछा सीधा प्रश्न था, सीधा उत्तर उन्होंने दिया, इसलिए जो स्पष्ट रूप से जो सत्यवचन आपने कहा ये बहुत बड़ी बात है, इससे आपका गोकुल परंपरा निश्चय हो जाता है, ऐसे करके निश्चय किया। तो तब कहा न सत्यादगाः, आप सत्य से विचलित नहीं हुए, एक सत्य वजना न अधिगत वसूल करता, आप सत्य वजन से अलग नहीं हुए, इस कारण से आपको मैं दीक्षा देता, इस प्रकार से दीक्षा दिया और उनको बाकी जो कथा आप जानते, इस प्रकार से यहाँ ये भी एक हेतु में दिया है और अंतिम में एक और हेतु है।